देखिए ओमेटेड परचेज सर ओमेटेड का मतलब क्या होता है बेसिकली ओमेटेड का मतलब होता है भूलना और परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स अब यहां पे हम ना फिक्स एसेट्स भी भूल सकते हैं और साथ के साथ इसी में मैं इनकॉर्पोरेट कर देता हूं रॉ मटेरियल इसी में लिख देता हूं गुड्स या तो आप गुड्स भूल सकते हैं लिखना या सर आप भूल सकते हैं लिखना एसेट्स ध्यान दीजिएगा या तो हम एसेट्स को भूल सकते हैं या फिर हम भूल सकते हैं परचेज गुड्स को सर दोनों होता क्या है देखिए जब कभी भी हम सामान को खरीदते हैं ना हमने कोई भी गुड्स खरीदा और खरीदने के बाद हम भूल गए तो भूलने का मतलब है आप उसी सामान को भूलोगे आपको एक अजम्पशन लेना होता है जो आपने उधार में खरीदा होगा यानी क्रेडिट पे खरीदा होगा अगर जब आप उधार में खरीदते हो तो उसका पैसा देना भी भूल जाते हैं हम साथ के साथ हम एसेट्स या फिर एक्सपेंस में भी रिकॉर्ड करना भूल जाते हैं मान लेते हैं कि मैंने एक बिल्ड मैंने एक मशीनरी उधार खरीदा है सर एक मशीनरी उधार खरीदा है तो ये दो जगह जाएगा एक तो बैलेंस शीट के एसेट्स में चला जाएगा क्योंकि आपने खरीदा तो मशीनरी है और क्योंकि उधार खरीदा है तो पैसे देने बाकी है तो दूसरी एंट्री कहां चली जाएगी लाइबिलिटी में पहले तो ये समझो अगर आप इसको लिखते तो कैसे लिखते हैं सर बैलेंस शीट के एसेट्स में लिख देते हैं अब मैं कोई मशीनरी खरीद के लाऊंगा दूसरा कहां भेज दूंगा मैं? में. सेम अगर आप लिखना भूल गए तो सर जब आप लिखना भूल गए तो आपको क्या करना होगा इसे करेक्ट करना होगा तो जब कभी भी आप एसेट्स को लिखना भूलेंगे ना तो इस सिचुएशन में क्या होगा दो बातें हो सकती है दो बातें हो सकती है सर क्या नंबर वन एक आपको ऐड करना होगा इन एसेट asset, जिस एसेट्स की बात चल रही है सपोज अगर बात चल रहा है बिल्डिंग तो बिल्डिंग में ऐड करिएगा मशीनरी तो मशीनरी में ऐड करिएगा दूसरा क्योंकि आपको पेमेंट करना बाकी है तो शो हो जाएगा ये इन ए लाइबिलिटी साइड लाइबिलिटी साइड और इसे एज क्रेडिटर शो कर सकते हैं आप एज क्रेडिटर शो कर सकते हैं क्रेडिटर शो किया जा सकता है लेकिन समस्या ये आता है कि मान लेते हैं कि मेरे पास ये बैलेंस शीट है और मैं मशीनरी भूल गया तो मैं यहां लिखूंगा सर मशीनरी जैसे मान लो दो लाख रुपए का अब नीचे एडजस्टमेंट में डेप्रीशियेशन है तो सर अब डेप्रीशियेशन कैसे चार्ज होगा इस पर चैलेंज ये है तो डेप्रीशियेशन चार्ज हो भी सकता है इस एस एसेट्स पे और नहीं भी अगर आपने इस एसेट्स को खरीदा एंड ऑफ द ईयर में और फिर भूले यानी साल के एंड में खरीदा और फिर भूले तो डेप्रीसिएशन चार्ज नहीं होगा सर हो सकता है साल के बीच में खरीदा और फिर आप लिखना भूल गए तो साल के बीच से चार्ज होगा और स्टार्टिंग है तो स्टार्टिंग तो इस केस के अंदर डेप्रीशिएशन जो लगेगा इफ आपको डेट गिवन हुआ इफ डेट ऑफ परचेज गिवन अगर आपका डेट ऑफ परचेज गिवन है देन डेप्रिशिएशन विल बी कैलकुलेट कैलकुलेट अकॉर्डिंग टू डेट तब डेट के हिसाब से निकलेगा बट इनकेस इनकेस डेट नहीं गिवन हो डेट नॉट गिवन देन आपको डेप्रीशिएशन इग्नोर कर दीजिए देन डेप्रीशिएशन क्या करिए आप इग्नोर कर दीजिए बड़ी सीधी सी बात है यहां तक कोई दिक्कत है यानी सर जब कभी भी आप फिक्स एसेट्स खरीदते हो कई बार अक्सर हम ना खरीद तो लेते हैं लेकिन उसे भूल जाते हैं और सर ये बातें कैसे पता चलेगा हमें ऑलवेज ये वाला इंफॉर्मेशन गिवन होगा आपको एडजस्टमेंट कहा गिवन होगा एडजस्टमेंट में गिवन ठीक है अगर आप क्या भूले एसेट्स एक तो एसेट्स में एड और दूसरा बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में लेकिन आप नॉर्मल गुड्स भूल जाते हैं जैसे कि परचेज अगर आप नॉर्मल गुड्स भूल जाते हैं तो क्या करेंगे नॉर्मल गुड्स के केस में फिर दो जगह एंट्री जाएगी आपकी नॉर्मल गुड्स के केस में दो जगह एंट्री जाएगी सर कहां कहां एक हो जाएगा हमारा एड इन परचेज एड इन परचेज एड इन परचेस दूसरा चले जाएगा यहां पे बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड दूसरा चला जाएगा बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड आप समझिए फिर से आप सामान को खरीद लिया लेकिन आप रिकॉर्ड करना भूल गए तो कौन से वाला सामान हमेशा रिकॉर्ड करने भेजते हैं जमशन रहता है उधार वाला तो उधार वाला रिकॉर्ड करना भूल गए तो सामान खरीद आप उसे ठीक कैसे करें हम परचेज में ऐड कर देंगे और क्योंकि अब उधार वाला ट्रांजेक्शन है तो इसका मतलब लाइबिलिटी में भी हम उसको क्या करेंगे शो कर देंगे इसमें डेप्रिशिएशन का तो कोई समस्या ही नहीं है डेप्रिशिएशन का सारा काम कहां पे आएगा जब हम एसेट्स में होंगे बताइए कोई डाउट एडजस्टमेंट नंबर बारह ट्वेल्व कोई डाउट है तो बताइए किसी को कोई डाउट है तो बताइए जितने बच्चे लाइव क्लास में उनको भी कोई डाउट है तो बताइए अभी एडजस्टमेंट कर रहे हैं फिर इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल भी हम कर लेंगे